हेलो फ्रेंड, तो आज हम लेक्चर नंबर अपना 20 स्टार्ट करेंगे लिनक्स स्टोरेज पार्ट 2 का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम पार्टीशन कैसे कट करते हैं यूजिंग fdisk कमांड से, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसमें कि हम पार्टीशन कट करते हैं पार्टेड कमांड से, ठीक है। और तो चलिए मैं अपनी एक बार VM ऑन कर लेता हूँ और पार्टेड कमांड का आपको कुछ बताता हूँ। मशीन मेरी ऑन हो रही है। जैसे मैंने आपको दोस्तों में एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि पार्टेड कमांड से हम GPT और MBR दोनों लेवल डिसाइड कर सकते हैं जो भी हम पार्टीशन कट करेंगे उसका। लेकिन fdisk कमांड से केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम केवल उसे MBR में ही कट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि MBR का मतलब कि हम उसमें केवल 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। अगर हमें 4 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशन बनाना है या 4 से ज़्यादा हमें पार्टीशन बनाना है तो हम 3 प्राइमरी और लास्ट पार्टीशन को एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बना के उसमें से अगेन हम लॉजिकल पार्टीशन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें हम GPT की, तो GPT में हम 128 प्राइमरी पार्टीशन कट कर सकते हैं। उसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप केवल 4 ही कट कर सकते हैं। तो आपको एक लॉजिकल जरूर बनाना पड़ेगा अपनी डिस्क को एक्सटेंडेड करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और प्राइमरी को ही हमें, और हमारा जो MBR है वो डिनोट होता है MS-DOS से या फिर DOS से या MS-DOS से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बस मेरी मशीन ऑलमोस्ट ऑन हो गई है। और उसके बाद हमारे पास होता है कि हम उस पार्टीशन को स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं या फिर LVM बनाना चाहते हैं। तो लेकिन ये सब करने से पहले हमें पार्टीशन काटना ही पड़ता है, वेदर हम स्टैंडर्ड बनाना चाहें या LVM बनाना चाहें अपने उस पार्टीशन को। तो fdisk के थ्रू मैंने आपको एक तरीके से पार्टीशन काटना सिखा दिया था। अब हम अपना दूसरा टाइप यूज़ करेंगे। आज पार्टेड कमांड से हम पार्टीशन को काटेंगे। बस मशीन में लॉगिन हो जाए, मैं इसको एक बार स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम ले दिए अभी हम। होप आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे लेक्चर के, तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपके डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप एक बार मेरे इसमें वीडियो में कमेंट बॉक्स पर डाल के आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मशीन मेरी ऑन हो गई। टर्मिनल भी मेरा ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे पार्टेड कमांड। तो एक बार मैं LSBL की कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास कोई डिस्क है या नहीं। हाँ, मेरे पास एक SDA1 है, SDA2, SDA C भी है। C मेरी 1 GB की है। तो एक बार मैं C को पहले इसमें जो मेरा LVM बना रखा है मैं उसे रिमूव करके C को फ्री कर लेता हूँ और दोबारा से आपको पार्टीशन काट के दिखाता हूँ। अभी इन कमांडों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये सब मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। सॉरी, मैं कमांड गलत टाइप कर रहा था। lv remove -dev my bg2 में मैंने अपना एक बार LSBL की करते हैं, ठीक है। मेरा SDC1 पार्टीशन बचा है। बस
इस पार्टीशन को भी एक बार मैं रिमूव करता हूँ। हाँ दोस्तों, fdisk कमांड से मैंने आपको शायद पार्टीशन को डिलीट करना सिखाया था, नहीं सिखाया था मैं ध्यान नहीं, मैं इसको fdisk कमांड से ही रिमूव करता हूँ उस पार्टीशन को। तो आप एक बार देखिएगा, sdc में गए हम fdisk से, हमें पूछ रहा है कि क्या करना है m4 help, तो हमें पता है d से डिलीट होता है तो मैं d करता हूँ। पूछा कि आपको पार्टीशन वन इज डिलीटेड, इसने मुझसे पूछा नहीं कि आपको कौन सा पार्टीशन डिलीट करना है, क्योंकि हमारे पास केवल सिंगल ही पार्टीशन बना हुआ था। ये देखिए, ये जो हार्ड डिस्क मैंने लगाई थी एक्सटर्नल, इसमें केवल एक ही पार्टीशन था, तो इसने अपने आप डिलीट कर दिया। अब इसे डब्ल्यू से सेव करेंगे और एग्जिट करेंगे, ठीक है। कॉलिंग आई ओ सी टू दी रीड पार्टीशन टेबल सिंगल डिस्क, कोई नहीं, ये अपना काम कर रहा है, हम देखते हैं। देखिए, अब हमारे पास एस डी सी एक हार्ड डिस्क मौजूद है जिसमें 1 GB की का साइज है, ठीक है। और कितना यूज़ हुआ है, अभी फ्री है तो इसमें कुछ यूज़ नहीं हो। तो lsbl की कमांड से हमने देखा कि इसमें हमने एक stc लगा ली है जिसका साइज हमारा 1 GB है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार इस पर, और ये अभी हमारी कहीं माउंटेड नहीं है और ये केवल डिस्क है, ना इसका कोई पार्टीशन कटा है ना कुछ है, अभी फ्री है। तो चलिए एक बार इस पर काम करते हैं। पार्टिट कमांड से हम इसमें एंटर करेंगे, और इसकी जैसे अगर आपको डिटेल लेनी है तो पार्टेड लिखेंगे, टैब लिखेंगे और sdc और आगे लिख देंगे प्रिंट। तो ये हमें बता देगा कि देखिए अभी ये जो है 1074 MB का साइज़ है, जिसमें टोटल के टोटल अभी सारे के सारे जो सेक्टर हैं वो भी फ्री हैं, और पार्टीशन टेबल इसमें MS-DOS दिखा देगा, क्योंकि लास्ट टाइम हो सकता है मैंने इससे fdisk से कट किया हो, fdisk से ऐसा पार्टीशन किया हो। तो एक बार हम दोबारा से इसका पार्टेड कमांड से जाएंगे और केवल sdc हम टाइप करेंगे, ठीक है। एंटर किया, अभी पूछ रहा है कि वेलकम टू gnu पार्टेड कमांड में आप आ चुके हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हेल्प यहाँ पर टाइप करके एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब क्या मुझे इसका लेवल बदलना है, मुझे चाहिए कि ये मेरी MK लेवल मैं सेट करूं अपनी पार्टेड कमांड से, तो वहाँ पे तो हमारा जो हमें लेवल सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है fdisk में, क्योंकि उसमें MBR डिफ़ॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें MK लेबल लिख के सेट करने की नीड है। हम चाहें तो इसे GPT भी बना सकते हैं, या फिर इसके आगे मैं लिख दूँ MS-DOS, ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। तो GPT की ऐसे कोई नीड नहीं, GPT हम जब बनाते हैं जब हमारी हार्ड डिस्क का साइज 2 TB से ज़्यादा का होता है, देन हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। अभी हमें MS-DOS में करना है तो मैं MS-DOS करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये यस या नो पूछ रहा है, यस कर देता हूँ, ठीक है। GPT हमने बना दिया, अब ये पूछ रहा है कि आपको अब हमें टाइप करना पड़ेगा MK पार्ट, हमें किस टाइप का पार्टीशन चाहिए पार्टेड में। MK पार्ट करा, एंटर किया, पूछा एक प्राइमरी चाहिए एक्सटेंडेड चाहिए, हमने कहा भाई साहब प्राइमरी बना दो। फाइल सिस्टम क्या रखना है, मैंने कहा EXT4 कर दो, ठीक है। फाइल सिस्टम आपको मैंने बता रखा है EXT1 और 2 जो थे हमारे काफ़ी पहले यूज़ होते थे, करंट में हमारा EXT4 या XFS ही यूज़ होता है, तो अभी मैं यहाँ पे EXT4 लेके चल रहा हूँ। एंटर कर देंगे, स्टार्ट पूछ रहा है, ठीक है। स्टार्ट का मतलब है कि आपको इसका साइज की जो लोकेशन होगी ना सेक्टर में, तो आपको वो कहाँ से लेना है। जैसे कि हमारा ये 0 से स्टार्ट हुआ होगा, 0 bit byte, फिर KB में होता है, फिर megabyte में होता है, फिर GB में होता है। तो अभी हमने यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये 1 GB की पार्टीशन डिस्क, ये 1 GB की हार्ड ड्राइव हमने अलग से लगाई है, तो 1024 MB इसका लास्ट होगा, ठीक है, 1024 MB लास्ट होगा। तो जब भी आपको पार्टीशन में आप करें ना, और आप पहला पार्टीशन काट रहे हो, तो ध्यान रखिएगा 2048S आप टाइप कीजिएगा, मतलब कि ये हमारा जो है सेक्टर लेगा पहले से, स्टार्टिंग से आपने S लिखा है तो स्टार्टिंग का सेक्टर लेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको एंड डालना है, तो आपको एंड डालना है, सपोज़ कीजिए मेरे पास 1 GB की हार्ड ड्राइव थी, अब मुझे केवल इसमें से पहला जो पार्टीशन बनाना है केवल 500 MB का बनाना है, तो यहाँ पर मैं अपना साइज डालूँगा 500, यहाँ से लेके वो 500 MB तक मुझे काट के दे देगा, ठीक है। अब चेक करते हैं फिर से, ये पार्टेड के लिए पूछ रहा है, तो मैं एक बार प्रिंट टाइप करूँगा और देखूँगा कि हमने क्या बनाया है। पार्टीशन नंबर 1 हमारा बन गया है, ठीक है, 1049 KB से स्टार्ट है, ये जो 2048 लिखा था ना, इसकी ये स्टार्टिंग पोजीशन है, 1049 KB से स्टार्ट है, स्टार्टिंग से स्टार्ट लिया है, और 500 MB का हमने बनाया है, और साइज मतलब 499 एक आध इधर उधर हो जाता है, और टाइप हमने इसका प्राइमरी लिया है, ठीक है,
फाइल सिस्टम अभी हमने इसका कुछ लिया नहीं है, ठीक है। फाइल सिस्टम हमारा EXT4 है वैसे इसमें, जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, लेकिन अभी जब ये पार्टीशन बनाते हैं ना और हम इसे कहीं माउंट करते हैं, तो उसके पहले हमें इसे एक बार फॉर्मेट करना पड़ता है, जब हम इसे एक्सटेंडर या LVM में माउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर हमें इसका कुछ LVM बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हम यहाँ पे इसका फ्लैग भी सेट कर सकते हैं गूगल। तो जैसे FDIS में ये सब काम करने के बाद हम W से सेव करके बाहर आ जाते थे, इसमें आपको क्विट करना होगा, ठीक है। और इसके बाद अब हमें टाइप करना होगा, जैसे हम पार्ट स्कोप कमांड टाइप करते थे डिस्क को अपडेट करने के लिए, लेकिन जब हम पार्टेड से कट करते हैं तो हम UDEV ATM करेंगे, UDEV ADM सेटल। और जब हम एड्रेस के करते थे तो मैंने आपको बताया कि पार्ट स्कोप टाइप करते थे UDEV SDC। ये शायद ये लगाने की ज़रूरत नहीं, इससे हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो अब एक बार मैं LSBL की करके चेक करता हूँ। देखिए, इसने हमारा एक पार्टीशन बना दिया है 476 MB का, ठीक है। थोड़ा बहुत जो होता है, जैसे मैंने 500 MB लिया था तो इधर उधर वो कैशे में यूज़ हो जाता है। तो अब हमें इसको अगर स्टैंडर्ड बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले हमें इसे फॉर्मेट कर देंगे, इसका फाइल सिस्टम टाइप जो भी हमें देना पड़ेगा, तो MKFS.EXT4 में हमें इसे फॉर्मेट करना है, किसको, SDC1 को, ठीक है। एंटर करो, हुआ कुछ कुछ तो हुआ। देखिए, सुपर ब्लॉक बैकअप स्टोर्ड ऑन ब्लॉक दिस, अलोकेटिंग ग्रुप टेबल डन, राइटिंग आईनोड टेबल डन, क्रिएटिंग जर्नल डन, राइटिंग सुपर ब्लॉक फाइल सिस्टम डन, सारा का सारा काम मैक्सिमम हमारा हो गया है। फिर से एक बार इसे LSBL की करके चेक करेंगे, ठीक है, सब कुछ ठीक है हमारा। और अब आता है कि हमने पार्टीशन तो काट लिया, ठीक है। अब इस पार्टीशन को हम स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपने इसको फॉर्मेट कर लिया MKFS कमांड से पार्टी, ठीक है। तो इसके बाद आप इसे कहीं भी माउंट कर सकते हैं, जैसे इसका भी LS करता हूँ मैं, रूट में देखता हूँ, हमने कोई रन रूट SRB ये सब है, तो यहाँ पे हम जैसे मैंने हमें कोई माउंट पॉइंट के लिए कोई डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, MKDIR मैं बना लेता हूँ माई पार्ट करके, ठीक है, या फिर माई स्टैंडर्ड STD करके मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ रूट पे, चेक करते हैं, MyStudy क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हम इस पे इसे माउंट कर देंगे, अभी जो हमने पार्टीशन का काटा है। तो माउंट के लिए आपको पता है, हम माउंट टाइप करते हैं और DEV SDC1 को हमें माउंट करना है, कहाँ माउंट करना है, MyStudy पे, ठीक है, स्टैंडर्ड पार्टीशन के लिए। एंटर कर दूँ, देखता हूँ माउंट हो गया क्या, LSBL की करो, माउंट हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए पार्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है, मतलब कि ये हमारा पार्टीशन बन गया है स्टैंडर्ड और माउंट हो गया है MyFDB पे। तो स्टैंडर्ड बनाना कोई इतना टिपिकल नहीं है, सिंपल से आपको लास्ट क्लास मैंने FDIS से सिखाया था, यहाँ पे पार्टीशन पार्टेड कमांड से सिखा दिया है। तो इस तरह से हमारा पार्टीशन जो है स्टैंडर्ड बन जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, अब दिक्कत आती है इसमें पार्टीड कमांड में एक और, ठीक है, जब हम पार्टीशन कट करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं इसमें। जैसे ना LDC1 तो 476 या 500 MB का बना दिया, लेकिन अभी हमारा दूसरा स्पेस खाली है, तो हम इसे कैसे लेंगे। तो पार्टीड कमांड से दोबारा गए, DEV SDC में गए, ठीक है। अब हमें इसका जो साइज बना है ना बचा हुआ है, उसमें हमें एक पार्टीशन और बनाना है, समझ लीजिए। तो इसका हम साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इसका सेम इसका भी हम लेवल डिफाइंड अगर हमें करना है, तो हम इसका MS-DOS ही लेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी MS-DOS लिया था। MK लेवल करेंगे और 2 TB से कम है, तो MS-DOS का लेवल ले लिया। ये कह रहा है SDC में पहले से ही लेवल डिफाइन है, मतलब कि हमने जो SDC का पार्टीशन 1 बनाया था, उसी ने इसका डिफाइन कर दिया था कि भाई साहब आपका जो है
लेवल पहले से डिफाइन है एमएस डॉस, तो आप कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया। फिर एम के पार्ट करेंगे, फिर ये पूछेगा कि हमें अब जो हम पार्टीशन बना रहे हैं अगला, उसको प्राइमरी करना है या एक्सटेंडेड। हम इसको प्राइमरी ही करना चाहेंगे। फिर वही EXT4 ले लेंगे या XFS। स्टार्ट पोजीशन, अब दोस्तों देखिए, अब आप स्टार्ट पोजीशन यहाँ पे क्या लोगे? ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन वो लेंगे, हम SDC में से SDC1 बना चुके हैं, SDC2 बनाएंगे। तो SDC1 का जो लास्ट पोजीशन था ना, हम उसे इसका ऐसे स्टार्ट पोजीशन लेंगे। जैसे एक बार ये थोड़ा बाहर आता हूँ मैं, इससे आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँ आपको, ठीक है, देखिए हमारी जो SDC1 बनी है नंबर 1, इसका एंड 500 MB है। तो हम SDC2 जो अब बनाएंगे उसका स्टार्टिंग 500 MB लेंगे, और लास्ट पार्टीशन अगर हमें पूरा बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। एम के पार्ट बना रहे थे हम, प्राइमरी EXT4, और स्टार्ट मैंने आपको बताया 500 MB लेना है अब, और लास्ट हम ले सकते हैं 10, क्योंकि हमारी 1 GB की खाली है, तो 1024 या 23 लेंगे, थोड़ा सा कम ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रिंट करके देखेंगे हमारा ये दूसरा भी तैयार हुआ है या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम फाइल सिस्टम नहीं आया था, लेकिन जैसे हमने उसे MKFS कमांड से वो किया था, तो यहाँ पे हमारा EXT4 आ रहा है 1 में, और हमने जो अभी पार्टीशन नंबर 2 बनाया है, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन और इसकी एंडिंग पोजीशन सेम है, और ये हमने पूरा पूरा डिस्क यूटिलाइज कर लिया है इसका। तो इसे क्यू प्रेस करेंगे, क्विट एंड सेव, और बाहर आ जाएंगे पार्टीड कमांड से, और UDEV ATM टाइप करेंगे, UDEV ADM सेटल। ठीक है, अब इस दूसरे पार्टीशन को भी जैसे हमें सेम एस उसी की तरह ही स्टैंडर्ड बनाना है, तो MKFS.EXT4 पार्टीशन का नाम था हमारा DEV SDC 2, एंटर करेंगे। ये भी हमारा रेडी हो गया सेम, हम इसे भी माउंट कर सकते हैं एक नई डायरेक्टरी बना के, या हमारे जो रूट में जो डिफ़ॉल्ट माउंटिंग पॉइंट होता है /MNT करके हम वहाँ पे भी माउंट कर सकते हैं। एक बार LSBLK करके चेक करेंगे, पहले LSBLK करके चेक किया तो SDC2 हमारा बन गया है 499 MB का पार्टेड कमांड से। तो इसको हमें माउंट करना है, इसको भी हम माउंट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ माउंट करके इसे भी। MKDIR से पहले एक डायरेक्टरी बना लेंगे, MySTD2 करके बना लेता हूँ मैं, और फॉर्मेट हमने कर दिया है, तो इसे माउंट करने में माउंट DEV SDC2 को माउंट करेंगे MySTD2 में। तो दोस्तों यहाँ तक का जो आपका स्टेप रहेगा ना, एक आप माउंट करके देखते हैं, हाँ हो गया। जैसे यहाँ का तो ये स्टेप आपका, चाहे आप LVM बनाएं या स्टैंडर्ड बनाएं, आपका जो पार्टीड कमांड से जो पार्टीशन करना है ना, या FDIS का कमांड से, तो FDIS से भी हम पार्टीशन बनाएंगे, ये हमारा सेम रहेगा चाहे हम स्टैंडर्ड बनाए या LVM। ठीक है, लेकिन बस माउंटेड अगर हम डायरेक्ट सीधा फॉर्मेट करके हम किसी पे माउंट कर दें तो इसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। और LVM में क्या होगा कि हमने पार्टीशन क्रिएट कर लिया था, अब उस पार्टीशन को हम LVM कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हमें देखना है कि उस पार्टीशन को हम LVM कैसे बनाते हैं। उस LVM से पहले हमें PV बनाना पड़ता है, फिर VG बनाना पड़ता है, देन हम उस पार्टीशन को LVM बनाते हैं। तो दोस्तों आपको लगभग स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए, FDIS कमांड से के भी पार्टीशन करके, और आज पार्टेड कमांड से भी पार्टीशन क्रिएट करके। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्टीशन बना के स्वैप कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपका स्वैप का कंसेप्ट आपका ऐसे ही, अगर आप विंडोज़ में काम करते हैं तो ऐसे वर्चुअल मेमोरी की तरह हमारा जो स्वैप पार्टीशन क्रिएट होता है, वो मतलब वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करता है, वो हमारे
जो भी आइडियल प्रोसेस होते हैं वो हमारे स्वैप पार्टीशन में के का स्पेस यूटिलाइज करते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। पार्टेड कमांड मैंने आपको बता दिया कि पार्टेड कमांड कैसे काम करती है। ओके ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये थैंक यू सो मच।